हेलो दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम इन टुडेज क्लास ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। दोस्तों, हाउस प्रॉपर्टी के कंसेप्ट्स अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। अब हम जितने भी बातें डिस्कस कर रहे हैं वो कंसेप्ट नहीं है, बस क्वेश्चंस की आप ये कह लीजिए कि कुछ टाइप्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम अपनी बात करना शुरू करेंगे एक नए कंसेप्ट से जिसका नाम है कंपोजिट रेंट। इसके बारे में हम अपने पास अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर भी चुके हैं। कंपोजिट रेंट का मतलब होता है दोस्तों, जब टेनेंट से हमें बिल्डिंग के साथ साथ कुछ और सामान का भी रेंट मिल जाए। जैसे मान लीजिए हमने अपने पास एक बिल्डिंग को लेट आउट किया, और बिल्डिंग के साथ साथ हमने अपने पास अपने टेनेंट को सपोज जनरेटर फैसिलिटी दे दी। हमने कहा अगर लाइट गई तो आप हमारा जनरेटर यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए आपको पावर बैकअप मिल जाएगा। हमने उनको लिफ्ट फैसिलिटी दे दी, इसी तरह का कोई और हमने उन्हें फैसिलिटी दे दी, और जो हमने रेंट चार्ज किया वो इसका कंबाइंड रेंट है। हमने अपने टेनेंट से सपोज इसके लिए चार्ज किया रेंट 1 लाख रुपीज पर मंथ, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि बिल्डिंग का रेंट सपोज 80,000 पर मंथ है, जनरेटर का रेंट 15,000 पर मंथ है, और लिफ्ट के चार्जेस हैं 5,000 पर मंथ। इस तरह से टोटल मिलाकर हमें अपने पास 1 लाख रुपीज का रेंट मिल रहा है। अब ऐसे में दोस्तों, ये जो 1 लाख रुपए महीना हमें रेंट मिल रहा है, इसमें 80,000 रुपये ही बिल्डिंग का रेंट है। जनरेटर के पैसे और लिफ्ट फैसिलिटी के पैसे अलग हैं। इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर, ये अमाउंट आपको हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लाना है, इसको आप लेकर जाएंगे या तो पीजीबीपी में अगर ये आपका बिजनेस है तो, या फिर अदर सोर्सेज में। देखिए, बिल्कुल फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंपोजिट रेंट दो तरह का होता है। एक रेंट होता है इनसेपरेबल, और दूसरा होता है सेपरेबल। इनसेपरेबल का मतलब है कि हम ये अलग अलग करके नहीं बता सकते कि हमारे पास बिल्डिंग का रेंट कितना और फैसिलिटी का रेंट कितना, और सेपरेबल का मतलब होता है कि हम ये अलग अलग करके बता सकते हैं कि बिल्डिंग का रेंट कितना और फैसिलिटी का रेंट कितना। इनकम टैक्स का कहता है अगर आपका ये रेंट इनसेपरेबल है तो ये फुल रेंट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड पीजीबीपी या फिर अदर सोर्सेस। इसको या तो हम पीजीबीपी में लेकर जाएंगे या फिर अदर सोर्सेज में लेकर जाएंगे। अगर आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी, बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेस। लेकिन दोस्तों, अगर ये रेंट सेपरेबल है तो जो बिल्डिंग का रेंट होगा वो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, और जो रेंट है हमारे पास फर्नीचर का, मशीनरी का, अदर चार्जेस एटसेट्रा, इन सब को हम लेके जाएंगे अगर ये आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी में,
और बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेस में। तो इस तरह से इसको दो पार्ट्स में बांट दिया जाएगा। अगर रेंट सेपरेबल हुआ तो बिल्डिंग का रेंट अलग निकलेगा और फर्नीचर मशीनरी अदर फैसिलिटीज़ का रेंट अलग निकाला जाएगा। आइए एक एग्जांपल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने एक बिल्डिंग को लेट आउट किया, जैसे अभी हम पीछे बात कर रहे थे। बिल्डिंग के साथ हमने जनरेटर फैसिलिटी दी, प्लस हमने लिफ्ट फैसिलिटी दी। रेंट हम चार्ज कर रहे थे 1 लाख, जिसमें बिल्डिंग का रेंट था 80,000, जनरेटर का था 15,000 और लिफ्ट का था 5,000 पर मंथ। दोस्तों, बिल्डिंग का रेंट हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी में कवर किया जाएगा, इसकी वही नॉर्मल कैलकुलेशन होगी। मान लेता हूं इसका एक्सपेक्टेड रेंट 7 लाख का है, तो हमारे पास हमारी जीएवी आ जाएगी 9,60,000 रुपीज। म्यूनिसिपल टैक्स पेड, एक मिनट के लिए एज्यूम कर लेते हैं, 1,60,000 रुपए के हैं। एनएवी आ जाएगी 8 लाख रुपए। फिर लेस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले ए पार्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन 2,40,000 और इंटरेस्ट का जितना भी अमाउंट होगा हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। मैं ज्यूम कर लेता हूं इंटरेस्ट है 3,60,000 रुपीज का। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी 2 लाख रुपए। दोस्तों, अब हमें अपने पास अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है जनरेटर फैसिलिटी और लिफ्ट फैसिलिटी के। इसके लिए हमारे पास अमाउंट रिसीव्ड है 1,80,000 का और 60,000 का। इसमें से आप लेस कर दीजिए इसके एक्सपेंसेस। हम अज्यूम कर लेते हैं कि जनरेटर का खर्चा है 1 लाख रुपए साल का और लिफ्ट का खर्चा है, सपोज मान लेते हैं, 45,000 रुपीज का। तो बस ये हमारे पास 80,000 रुपए की इनकम जनरेटर से और 15,000 की इनकम लिफ्ट से आ जाएगी। और इसको हम टैक्सेबल करेंगे आइदर अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्सेस एज द केस मे बी। अगर ये इनका बिजनेस है तो पीजीबीपी और बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेज में इसको टैक्सेबल किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने पास देख लेंगे कि बिल्डिंग की इनकम कितनी है और अदर फैसिलिटीज की इनकम कितनी है। बिल्डिंग का शेयर चला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में और अदर वाले पैसे चले जाएंगे पीजीबीपी या अदर सोर्सेज में। आइए इसके ऊपर हम अपने बुक का एक क्वेश्चन करते हैं।
ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को। मिस्टर अक्षत जैन हैज लेट आउट वन हाउस अलोंग विद जनरेटर फैसिलिटी एंड हैज चार्ज्ड द सम ऑफ रुपीज 25,000 पर मंथ एज रेंट, आउट ऑफ विच 3,000 पर मंथ इज एट्रीब्यूटेबल टू जनरेटर। ही हैज पेड 2,300 एंड द टेनेंट पेड 900 टूवर्ड्स म्यूनिसिपल टैक्सेस। द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज 7,000। मिस्टर अक्षत जैन हैज पेड रिपेयर चार्ज ऑफ द जनरेटर 3,400, फ्यूल चार्ज 5,600, ऑपरेटर सैलरी 300 पर मंथ। दोस्तों ये 25,000 रुपए का रेंट चार्ज कर रहे हैं जिसमें से 3,000 रुपए जनरेटर फैसिलिटी के हैं। इसका मतलब बिल्डिंग का रेंट जरूर 25,000 माइनस 3,000 22,000 रुपए महीने का होगा। और कोई इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है तो 22,000 × 12 यही हमारे पास हमारी जीएवी की वैल्यू मान ली जाएगी 2,64,000 रुपीज। तो 264 में से इन्होंने अपने पास म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है। ध्यान से देखिए लैंडलॉर्ड ने 2,300 और टेनेंट ने 900। टेनेंट का अमाउंट इररिलेवेंट है, लैंडलॉर्ड के 2,300 यहां से माइनस हो जाएंगे। एनएवी आ जाएगी 261,700, इसका 30% 78,510, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमें बता रहे हैं कि 7,000 रुपीज का है। यह आ जाएगा 176,190। दोस्तों ये तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। आगे सुनिए क्वेश्चन हमें बता रहा है कि हमने 3,000 रुपए महीना जनरेटर के लिए हैं, इसका मतलब 36,000 रुपीज पर एनम। 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 हमें जनरेटर के 36,000 रुपए मिले हैं एक साल में। अब इसके खर्चे सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है 3,400 इन्होंने अपने पास इसके रिपेयर के दिए हैं, फ्यूल चार्ज दिया है 5,600 का और 300 पर मंथ के हिसाब से 3,600 इन्होंने सैलरी दी है ऑपरेटर की। इसको माइनस करके इनकी इनकम निकाल लीजिए। ये आ गया 23,400 रुपीज। ये अगर इनका बिजनेस है तो पीजीबीपी, नहीं तो अदर सोर्सेज एज द केस मे बी। और अगर आप ये देखना चाहें कि इनकी टोटल इनकम कितनी हो रही है, इनकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हो रही है, तो 1,76,190 में ऐड कर दीजिए 23,400 को। तो ये आ जाएगा 1,99,590 रुपीस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। मिस्टर गोयल ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट अलाहाबाद विच इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज फॉलोस। हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास हमारी एनुअल रेंट की वैल्यू है 60,000, म्यूनिसिपल वैल्यू है 48,000, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द टेनेंट, इसका मतलब ये इररिलेवेंट है। एक्सपेंसेस इनकर्ड हमें दिए हैं रिपेयर्स मेड बाय टेनेंट। दोस्तों रिपेयर का हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कोई रोल नहीं है। फायर इंश्योरेंस नो यूज, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पेड बाय श्री गोयल। दोस्तों ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस आर पेड बाय श्री गोयल, जबकि ये खर्चा टेनेंट को देना चाहिए था। इसका मतलब ये जो 60,000 रुपीज है इसी के अंदर मिलाकर हमने इलेक्ट्रिसिटी के और वाटर के भी चार्जेस ले लिए हैं। लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय श्री गोयल,
हमने ये पैसे भी अपने पास जरूर अपने रेंट के अंदर कंबाइन करके ले लिए हैं। इसका मतलब दोस्तों ये कंपोजिट रेंट का केस है और हमारे 60,000 रुपीस के अंदर इंक्लूडेड है फैसिलिटीज के पैसे 5,400 and 2,400 रुपीस। तो अगर हम इसको माइनस करें तो हमें मिल जाएगा कि हमने बिल्डिंग के कितने पैसे चार्ज किए हैं। इसका मतलब बिल्डिंग के लिए हमने लिए होंगे सिर्फ 52,200 रुपीस। ये हमारे पास हमारा एक्चुअल रेंट है और म्यूनिसिपल वैल्यू 48,000 है। बस यही हमारी बन जाएगी जीएवी। तो 52,200 की जीएवी, म्यूनिसिपल टैक्सेस है नहीं तो यही हो जाएगी एनएवी। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% 15660 और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमें दिया नहीं है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी बिल्डिंग से आ रही है। लेकिन आगे एक और भी इंफॉर्मेशन है। हमें बता रहे हैं कि हमने 22,500 रुपए का अनरियलाइज्ड रेंट था जिसकी डिडक्शन मांगी थी 2013-14 में 2013-14, लेकिन हमें इसमें से सिर्फ 16,500 रुपए की डिडक्शन ही मिल पाई। दोस्तों याद कीजिए, हमने अपने पास अनरियलाइज्ड रेंट का कंसेप्ट पढ़ा था। 22,500 में से डिडक्शन मिली 16,500 की। इसका मतलब हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं 6,000 रुपए पर, 6,000 रुपीज के ऊपर टैक्स पे कर चुके हैं। अब हमें रिकवरी हो रही है 10,500 की। तो 10,500 में से 6,000 माइनस कर दीजिए, 4,500 रुपए टैक्सेबल होंगे करंट ईयर में। और इस 4,500 रुपए में से हमें मिलेगा 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,350। बैलेंस इज 3,150। तो 36,540 और 3,150 इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी 39,690। तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी मांगी गई है, वो हमने अपने पास कैलकुलेट कर ली। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे पास केसेस हो गए कंपोजिट रेंट के। अगला कंसेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत छोटा सा कंसेप्ट, ये कोई मेन कंसेप्ट नहीं है, इसका नाम है को ओनरशिप। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक बिल्डिंग के मल्टीपल ओनर्स होते हैं, एक से ज्यादा मालिक होते हैं। दोस्तों अगर किसी बिल्डिंग के मल्टीपल ओनर्स हो, एक ही बिल्डिंग के 2-3-4 मालिक हो, तो उससे होने वाली रेंटल इनकम इन चारों मालिकों में बांटनी होगी। इसे हम अपने पास को ओनरशिप कहते हैं। तो को ओनरशिप के केसेस में हम अपने पास कैलकुलेशन कैसे करें, तो को ओनरशिप ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 26 में बताया गया है। तो दोस्तों अगर हमारे पास
एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के हमारे पास मोर देन वन ओनर है। दोस्तों आई एम सॉरी, कुछ अर्जेंट कॉल आ गया था, कुछ काम है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। को ओनरशिप के इस कंसेप्ट को हम अपने पास हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा लास्ट प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, और कंसेप्ट नहीं है, बस एक छोटा सा एक एडिशन है हमारे पुराने टॉपिक्स के अंदर। केसेस हमारे पास बस वही 9 केसेस हैं जो हमारा मेन कंसेप्ट है। आप इसे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन कह सकते हैं, बस सारी कैलकुलेशंस वही हैं, बस को ओनरशिप में हम अपने पास लास्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं इनकम को। इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।